कोविड संक्रमण काल में नगर निकायों की ओर से किए जा रहे कार्यों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को प्रदेश के महापौर, नगरपालिका अध्यक्षों और पार्षदों के साथ वर्चुअल संवाद किया। वर्चुअल संवाद में महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित सभी वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वर्चुअल संवाद के दौरान कहा कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, तीसरे चरण की संभावना को गंभीरता से ले इसके रोकथाम के लिए पहला मंत्र स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग निरंतर किया जाना है। प्रयास हो कि कंटेनमेंट जोन को प्रतिदिन दो बार सैनिटाइज कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्षद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समिति स्वच्छता अभियान पर विशेष जोर दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण के दौरान नगर निगम और निकायों द्वारा कराए गए सैनिटाइजिंग एवं सफाई अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में निकायों ने अपनी टीम के साथ जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी का तालमेल बनाकर संक्रमण के रोकथाम का मोर्चा संभाला अविस्मरणीय है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील करते हुए कहा कि पार्षद अपने नगर निकाय में संचालित किसी एक सीएचसी और पीएचसी या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को गोद लें तथा बरसात से पहले साफ सफाई करवाएं। वर्चुअल मीटिंग के दौरान महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में नगर निकायों ने सतर्कता और सहजता से पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन, सफाई व्यवस्था कराकर साथ ही दवा का छिड़काव कराया। सभी ने मिलकर कोरोना के संक्रमण काल में सार्थक प्रयास किया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी पूरी तन्मयता और कर्मठता से प्रदेश की सेवा में लगे हैं। योगी जी को संक्रमण के दौरान डॉक्टर ने जो ही बताया कि वे कोरोना संक्रमण से निगेटिव हो गए हैं, तत्काल वह क्षेत्र में निकल पड़े और जनता के बीच में जाना आरंभ कर दिया। उनके उत्साह को देखकर अन्य सभी कोरोना योद्धाओं में आत्मविश्वास जग गया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित अन्य पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री महेश गुप्ता जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत नगर विकास के सभी अधिकारीगण, आज के इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के सभी महापौर, चेयरमैन और पार्षदगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के इस दूसरी लहर में जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सब ने देश की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने में अपना योगदान दिया है,
मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सभी महापौर चेयरमैन और आपके साथ जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हम सबका सौभाग्य है कि नगर निकाय से जुड़े हुए सभी 17 नगर निगम समेत 700 नगर निकायों के चेयरमैन और 12,000 से अधिक वार्डों के पार्षदों को आदरणीय राज्यपाल महोदय का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी मजबूती के साथ लड़ा और परिणाम भी हमारे सामने है। जो लोग उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त करते थे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हॉटस्पॉट होगा, सर्वाधिक केस होंगे, सबसे ज्यादा लोगों की मौत होगी, वह उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक अपने आप को बचाने में सफल रहा। आज प्रदेश के अंदर मात्र 1200 पॉजिटिव केस आए हैं और प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या मात्र 25,500 रह गई है। इसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञों का मानना था कि ये केस जो आज हमारे पास केवल 1200 आए हैं, इनके बारे में लोगों का कहना था ये प्रतिदिन 1,00,000 से ज्यादा आएंगे। 25,000 से कम एक्टिव केस, इसके बारे में आशंका थी कि मई के अंत में इनकी संख्या 30,00,000 से ज्यादा होगी, लेकिन आप सबके सहयोग से जो एक सामूहिक प्रयास प्रदेश के अंदर हुआ उसका एक बेहतर परिणाम हमारे सामने है और इसलिए मैं आप सबका इस सामूहिक प्रयास में टीम भावना के साथ काम करने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये महामारी है, हमें इसको कम करके आंकने की भूल नहीं करनी होगी। ये सामान्य फ्लू भी नहीं है और इसलिए महामारी किस स्तर पर और कैसे फिर से चपेटे में एक बड़ी आबादी को ले सकती है, थोड़ी भी लापरवाही इस महामारी की चपेट में एक बड़ी आबादी को ला सकती है, इसलिए अत्यंत सतर्कता के साथ हम सबको कार्य करना होगा। और इसमें आज जो नगर निकाय से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों के साथ जो संवाद का कार्यक्रम बन रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य भी है। हम समय समय पर इसके बारे में शासन स्तर पर आवश्यक सुझाव और निर्देश भी जारी करते थे, लेकिन अब जो थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, यह थर्ड वेव की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात का समय होगा और बरसात के समय में कोरोना के साथ साथ अगर जो तमाम प्रकार की बरसात में होने वाली संक्रामक बीमारियां और विषाणु जनित और जल जनित बीमारियां एक साथ होने लग जाएंगी तो स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। इसलिए अभी से बिना डरे बिना झुके हमें इस महामारी के साथ साथ बरसात के कारण होने वाली किसी भी अन्य संक्रामक बीमारी की रोकथाम करने के लिए अभी से कदम उठाने पड़ेंगे। और इसके लिए जो सबसे पहला मंत्र है जिस पर हम पहले दिन से कह रहे हैं, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग, हर नगर निकाय में पहले प्रतिदिन 2 बार कम से कम स्वच्छता का कार्यक्रम चले। स्वच्छता का कार्यक्रम और स्वच्छता का कार्यक्रम चलने के साथ साथ अच्छा होगा कि हम मोहल्ला समितियां बनाए, लोगों को भी प्रेरित करें, खासतौर पर इस बात को लेकर के कि वे अपने घर के कूड़े को घर के बाहर नाली में न डालें। हमें मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड वार्ड में पार्षद के नेतृत्व में मोहल्ला समिति बना करके लोगों को इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा कि वे लोग हर एक व्यक्ति की आदत का हिसाब डालें, बनाएं कि जब सफाई करने वाला व्यक्ति आए उसी समय कूड़ा या तो उसके पास डालें या कूड़ादान में ही कूड़ा डालें, सड़क पे न फेंकें, नाली में न फेंकें, गंदगी न करें, इन सभी चीजों के बारे में और नियमित सफाई। दूसरा,
सफाई करने के साथ ही हम इस चीज को भी देखें कि कूड़े का प्रॉपर निस्तारण भी हो जाए। अक्सर होता है सफाई तो होती है, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, फिर सफाई कर्मी चले जाते हैं, कूड़ा उठाया नहीं जाता है, वह कूड़ा फिर नाली में गिरता है, फिर वो इधर उधर छितर बितर होता है, फिर पूरा मोहल्ला गंदा होने दिखने लगता है। ऐसे ही प्रतिदिन अगर हम उठा करके हरेक नगर निगम, छोटा हो बड़ा नगर निगम हो, नगर पालिका परिषद हो, नगर पालिका हो, इन सभी को चाहिए कि प्रतिदिन कूड़े को पहले सफाई की, फिर कूड़े की उचित निस्तारण की व्यवस्था करें। दूसरा, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, हम सफाई के तुरंत बाद सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करेंगे उसका लाभ होगा। और सायंकाल फॉगिंग अगर सप्ताह में 2-3 दिन भी हर मोहल्ले में हो जाता है, इसका भारी लाभ होगा। इस समय तो कोरोना से बचाएगा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से बहुत मौतें होती थी, सरकार के प्रयास से उसमें नियंत्रण हुआ है, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम मध्य के क्षेत्र में बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो वहां पे मलेरिया के मामले आज भी देखने को मिलते हैं। हम पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में चिकनगुनिया के मामले देखने को मिलते हैं। पूरब के काश वाराणसी और उसके आस मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में देखेंगे तो वहां कालाजार के मामले देखने को मिलते हैं। बुंदेलखंड में भी चिकनगुनिया से जुड़े हुए तमाम ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो कभी कभी व्यक्ति को, जब भी कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आता है तो वह उसके लिए असह्य पीड़ा होने लगती है उसे। इसलिए सावधानी पूर्वक हम इन बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। इसलिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर विशेष ध्यान देना। जल जमाव बरसात में न हो, इसी अभी से नाला है, नाली है, इन्हें डिसिल्टिंग करना, जितना भी सिल्ट निकले उसको तत्काल वहां से हटा करके प्रॉपर निस्तारण उसकी करवा देना। अक्सर होता नाली की सफाई तो होती है, लेकिन जो सिल्ट होता है साइड में रख दिया जाता है, बाद में वह फिर उसी नाली में गिर जाता है, तो सफाई का कोई मतलब नहीं होता। अभी से अगर आप इसकी व्यवस्था करेंगे, प्लास्टिक को, थर्माकोल को सरकार ने बैन कर रखा है, अगर आप भी अपने नगर निकाय में प्लास्टिक, थर्माकोल, इन सभी को प्रतिबंधित कर दें, इनसे जुड़े हुए इनके इनसे बने हुए बैग, इनसे बने हुए कप, प्लेट, ग्लास, ये जितने भी हैं, अगर इनको आप पहले से रोक देंगे तो स्वाभाविक रूप से नाली आधी से सफाई स्वयं हो जाएगी। तो इस सफाई स्वच्छता पर अगर हम ध्यान दे देंगे तो एक सबसे बड़ा कार्य तो ये आपका सबसे पहला काम हो सकता है। कोरोना से भी बचाव होगा, आपका नगर सफाई भी दिखाई देगा, और बरसात में आसन्न उन तमाम चुनौतियों को जो इंसेफ्लाइटिस को लेकर, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, अन्य तमाम प्रकार की विषाणु जनित या जल जनित बीमारियां, डायरिया आदि के कारण भी जो तमाम प्रकार के लोग चपेट में आते हैं, उससे मौतें होती, इनको रोकने में नगर निकाय बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि हम लोगों ने हर एक जनपद में, हर नगर निकाय में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी, वार्ड स्तर पर, नगर पालिका परिषद स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर निगरानी समितियों के गठन की कार्रवाई की थी। जहां पे निगरानी समितियां काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे बीच में आपने देखा होगा, तमाम लोग, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य की दुखद मौत हो गई तो उनका अंतिम संस्कार करने की बजाय बॉडी को, मृत शरीर को नदी में प्रवाहित कर देते थे। ये अच्छी स्थिति नहीं है। कभी किसी ने परंपरा के रूप में अपनाया होगा, उसके कुछ नियम रहे होंगे, लेकिन आज इतनी भारी आबादी हो चुकी है, हम लोग उन लोगों को समझाएं ऐसा न करें। दूसरा, अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके पास
पैसा नहीं है, गरीबी के कारण या अन्य कारणों से नहीं कर पा रहा है, तो मोहल्ले की समिति जो पार्षद के अध्यक्षता में है वह इस बात को सुनिश्चित करें कि नगर निकाय उस परिवार को 5,000 रुपए दे। वह परिवार या तो अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न करें जिस भी परंपरा को मानने वाला है, नदी में प्रवाहित न हो। और अगर नगर निकाय वह व्यक्ति इस स्थिति में भी नहीं कि अंतिम संस्कार कर सके, तो नगर निगम या वह मोहल्ले की समिति ही प्रशासन के सहयोग से मृतक का अंतिम संस्कार की कार्रवाई उसकी परंपरा के अनुसार संपन्न करवाएं। यह व्यवस्था हम लोगों ने 1 वर्ष पहले से ही बना दी थी, हमें केवल उसको लागू करवाना है। हमें यह भी देखना होगा कि प्रत्येक नगर निकाय से सटे हुए किसी ऐसे स्थल पर जहां पे लोगों को बहुत दिक्कत न हो, अंत्येष्टि स्थल, सौदाग्रह या फिर कब्रिस्तान की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था उसमें भी हो रहनी चाहिए, कहीं भी गंदगी ना दिखे। अगर हम इन सब बातों को ध्यान दे दें, आप देखेंगे वहां पे अपने आप एक सुधार दिखाई देगा और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। हमें अक्सर जितने भी हमारे नगर निगम हैं, नगर निकाय हैं, हमें कुछ नयापन वहां पे करना पड़ेगा। जैसे भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई, 5 लाख की आबादी के ऊपर के नगर निकायों को, 60 ऐसे नगर निकायों को अमृत योजना के अंतर्गत भी चयन किया। जो भी नगर निगम या नगर निकाय स्मार्ट सिटी या अमृत योजना के अंतर्गत चयनित हैं, वे समयबद्ध ढंग से अपने कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा दें। हमें अपने नगर निकाय की आय से भी कैसे हम अपने नगर निकाय की आय को बढ़ा सकें, इस पर चेयरमैन, पार्षदगण, उस नगर निकाय के ईओ, अधिशासी अधिकारी, ये सभी लोग मिलकर के एक व्यवस्था बनाएं, एक निश्चित इनकम उस नगर निकाय की बने। और फिर वहां पर जैसे हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हर नगर निगम में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, आप भी अपने नगर निकाय के अंतर्गत छोटा सा बना सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी से पूरा सिटी आच्छादित होगा, ये 2 काम करेगा। उस नगर निकाय की ट्रैफिक की व्यवस्था को तो व्यवस्थित करने में योगदान देगा ही, लेकिन नगर निकाय की सुरक्षा में भी योगदान देगा। आप लोकल पुलिस से मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के इस कार्य को करेंगे, मुझे लगता है एक परिवर्तन दिखाई देगा। आप लोगों को कह सकते हैं कि देखिए हमारी नगर निकाय में ITMS है, हमारी नगर निकाय में हम लोग ट्रैफिक के मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे यहां पर इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग नगर निकाय को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं अगर कभी उत्तर प्रदेश के अंदर घटित होती हैं, उनके अनावरण में हमें जो सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो सीसीटीवी फुटेज से मिलती है, और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोग अपराधी तक पहुंचने में सफल होते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। अगर आप अपने नगर निकायों में भी इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम चलाएं, इसमें नगर निकाय इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तीनों मिलकर के भी इस कार्यक्रम को आगे चला सकते हैं। हर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, पेट्रोल पंप में, वित्तीय संस्थान, बैंक है, पोस्ट ऑफिसेज हैं, इन सभी से भी हम कह सकते हैं कि वे लोग अपने यहां सीसीटीवी के कैमरे लगाएं और उसकी फुटेज को वहां पर उपलब्ध करवाएं। जो आपका एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनेगा, जिसको आप इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, एक व्यवस्थित स्वरूप दे सकता, कम खर्चे में जन सहभागिता के माध्यम से, उस प्रकार का एक बेहतर उदाहरण आपके यहां एक खड़ा हो सकता है। निराश्रित गोवंश नगर निकायों की एक समस्या होती है, सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया, नगर निकाय ने भी किया, समाज को चाहिए, हम समाज को जागरूक करके अगर नगर निकाय से जुड़े हुए लोगों को हम कह सकें कि हर परिवार एक गाय को गोद ले, और एक गाय को गोद लेने का मतलब
साल भर में उसका मिनिमम कुछ एक पैसा तय कर लीजिए, एक साल में 300 या 500 रुपया वह परिवार देगा, उसके नाम पे वो गाय रहेगी और उस गाय को उसके नाम पर हम उसका लालन पालन करेंगे। गाय केवल भूसा ही नहीं खाएगी, गाय के लिए आपको हरा चारा भी व्यवस्था करना पड़ेगा, गाय के लिए कुछ अच्छे चोकर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तब वो हष्ट पुष्ट रहेगी, अन्यथा कमजोर होगी तो फिर उसका भी पाप हमारे ऊपर लगेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि गाय को सड़क पे ना घूमने दें, बछड़ों को सड़क पे ना घूमने दें, बल्कि उनके लिए जो गौ आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था, वहां पर उनके उपचार की व्यवस्था, वहां पर उनके खाने की व्यवस्था, वहां पर पानी पीने की व्यवस्था, गर्मी से सर्दी से बचाव की व्यवस्था भी हमें प्रॉपर रूप से वहां करनी पड़ेगी। और इसके लिए अच्छा होगा कुछ ऐसे लोगों को हम उस व्यवस्था के साथ जोड़ें जो सरकार के साथ साथ स्वयं भी इस मामले में कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे, तो नगर निकाय एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। हर एक नगर निकाय अपने यहां कुछ व्यवस्था बनाए, खासतौर पर जैसे स्मार्ट सिटी के अंदर कोई एक सड़क को हम लोग लेते हैं स्मार्ट रोड के रूप में, ऐसे ही हर नगर निकाय के अंदर हर वर्ष पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, कुछ ऐसा कार्य करिए जो उदाहरण बने, लोगों के लिए दर्शनीय बने, लोगों के लिए प्रेरणादायी बने, उन कार्यक्रमों के साथ आपका नगर निकाय जुड़े, और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, लगभग 700 के आसपास आप सभी महापौर और चेयरमैन गण हैं और 12,000 के आसपास पार्षद गण हैं। आपके प्रत्येक के नगर निकाय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित या तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या सब सेंटर हैं, या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थित है। और मेरा आप सबसे अपील होगा कि आप एक एक सेंटर को गोद लें। गोद लेने का मतलब आपको अपना बोर्ड नहीं लगाना है, गोद लेने का मतलब कम से कम महीने में 2 से 3 बार वहां का विजिट करना, वहां की साफ सफाई को देखना है कि नहीं है, नहीं है या तो विभाग से, नहीं तो अपने नगर निकाय के साथ जोड़ करके वहां साफ सफाई की व्यवस्था देखना, वहां की कनेक्टिविटी को ठीक करना, सड़क ठीक हो, जल निकासी ठीक हो, वहां जल जमाव ना हो, भवन के ऊपर कोई भी पेड़ पौधे ना उगे हुए हों, गंदगी ना दिखाई दे, भवन के अंदर जाले ना लगे हों। वहां पर डॉक्टर नियमित रूप से आते हैं नहीं आते हैं इसके बारे में जानकारी रखना, सीएमओ को और जिलाधिकारी को इसकी सूचना देना। वहां पर पैरामेडिक्स और जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, दाई आदि होंगी, टेक्नीशियन होंगे, इनके बारे में जानकारी लेकर के बहुत सद्भावना के साथ, सद्व्यवहार के साथ उनके साथ चर्चा करना, वे लोग कार्य कर सकें इसके लिए प्रेरित करना। कोरोना में बहुत अच्छा काम स्वास्थ्य कर्मियों ने किया, कोरोना वॉरियर्स ने किया, जो आपके नगर निकाय के स्वास्थ्य कर्मी हैं या नगर निकाय से जुड़े हुए स्वच्छता कर्मी हैं, बहुत बड़ा काम इन्होंने किया, और ये हमें उन लोगों को प्रेरित करना होगा, बताना पड़ेगा कि कैसे वे लोग सामान्य दिनों में भी अच्छा काम कर सकते हैं। उस नगर हेल्थ पोस्ट का या सब सेंटर का या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सफाई, रंगाई पुताई को साल भर में 1-2 बार करवा देना, सामान्य जिस दिन छुट्टी हो उस दिन करवाने की व्यवस्था करना। वहां पे उपकरण रखे हैं उनके मेंटेनेंस के लिए सीएमओ और जिलाधिकारी से कहना, अगर किसी दानदाता के माध्यम से वहां पे कुछ उपकरण आप उपलब्ध करवा सकते हैं जिसकी नितांत आवश्यकता है, उसमें सहयोगी बनना। ये कुछ कार्य इस प्रकार के होंगे, कम खर्चे में आप एक अच्छी व्यवस्था अपने नगर निकाय के लोगों को दे सकते हैं, और एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा ये दायित्व बनता है, हम ये कार्य करके दिखाएं वहां पे। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था के साथ अगर जुड़ेंगे, मैं चाहूंगा कि अपने नगर निकाय के, अपने नगर विकास के मंत्री से आशुतोष टंडन जी को और विभाग के अपर मुख्य सचिव को आप उसकी सूची जरूर बना के भेजें कि कौन सा आपने स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोद लिया है, और हर महीने की रिपोर्ट भी उसकी करें, क्या क्या इसमें आप कर रहे हैं।
हम इसका एक पोर्टल भी बना रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, कैसे वहां पे कार्य हो रहा है। देखिए, स्वस्थ रहना हर व्यक्ति का नैतिक अधिकार है, और एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा यह दायित्व बनता है कि हम हर नागरिक को स्वस्थ होने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था दें। और इसमें आपको जोड़ने के लिए, आह्वान करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके साथ जुड़ रहा हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय राज्यपाल महोदय का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राज्यपाल महोदय का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी नगर निकाय से जुड़े हुए हमारे जागरूक प्रतिनिधियों ने कोरोना की सेकेंड वेव में भी मजबूती के साथ लड़ते हुए इस पूरी वेव को नियंत्रित करने में जो योगदान दिया है, उसके लिए हम सब, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि हम लोगों को जागरूक निरंतर करते रहें। कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, हमने उसको अभी कुछ हद तक नियंत्रित किया है। छोटी छोटी लापरवाही, भीड़ ना होने दे कहीं भी, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करवाएं, बिना मास्क के कोई घर के बाहर ना निकले, हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घरों में रहें, हम लोगों को टेस्ट करने के लिए और वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। अगर ये सभी कार्यक्रम हम कर सकेंगे तो हम लोग कोरोना को पूरी मजबूती के साथ रोकने में हमें मदद मिलेगी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर कोरोना के खिलाफ जिस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है, पहली लहर पर देश ने विजय प्राप्त की, सेकेंड लहर पर विजय प्राप्त करने के नजदीक है, और थर्ड वेव को आने के पहले ही हम नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे, इसमें टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। यही अपील आप सबसे करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, नगर विकास, शहरी समग्र विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, राज्य मंत्री नगर विकास महेश्वर गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव सुचंदा श्री नवनीत सहगल जी, सचिव नगर विकास विभाग श्री अनिल कुमार जी, श्री अनुराग यादव जी, निर्देशक श्रीमती शकुंतला गौतम जी, सभी महापौर, पार्षदगण, नगरपालिका परिषद के सभी अध्यक्षगण एवं सभी सभासदगण, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सबको मैं अभिनंदन की देती हूँ। कई ऐसे पार्षद महापौर होंगे जो पहली बार चुनकर आए, कोई दो बार, तीन बार, चार बार चुनकर आए, अपने अपने समय में अच्छा काम करने की वजह से मतदाताओं ने आपको फिर से मत दिया और आपको चुनकर भेजा है, और एक विश्वास के साथ आपको मतदान किया है कि आगे जाकर नगर को अच्छा बनाने में ये सफल होंगे। आज आप सबको माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बहुत ही डिटेल अलग अलग दिशाओं पर आपको मार्गदर्शन दिया है। मैं मानती हूँ कि इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे तो नगर को आप अच्छा बना सकते हो, नगरवासियों को जो चाहिए वो आप दे सकते हो, और ये देना भी चाहिए क्योंकि हमारा एक काम है, हमारा एक फर्ज है, चुनकर आए हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, इसकी वजह से सामान्यतः जब चुनाव होता है और जब नए नए पार्षद चुनकर आते हैं तो नगर का अर्थ इतना ही करते हैं कि नगर मतलब नल, मतलब बोर्ड में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा ग मतलब गटर, गटर का काम होना चाहिए,
और तीसरा है र मतलब रोड रास्ता। ये तीन बातों पर ही ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। और हम समझते हैं कि जब तक पानी का स्रोत ही नहीं होगा तो नल से पानी कैसे आएगा, और इसी वजह से शुद्ध पानी मिले इसके लिए तो राज्य और केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, इसमें ज्यादातर हमारा सहयोग होना चाहिए। ग्रांट मिलती है तो तुरंत उसका उपयोग होना चाहिए, टेंडर निकाल कर समय समय पे इतना काम हुआ इतना काम हुआ क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है, जब तक इसकी समीक्षा नहीं करोगे तब तक अच्छी तरह से लोगों को समय से पानी नहीं मिलेगा। दूसरा है अभी योगी जी ने बहुत इस पर चिंता जताई और आप सबको प्रेरित भी किया, ये नगर के लिए दो बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये दोनों के लिए केंद्र और राज्य सरकार बड़े पैमाने पर ग्रांट दे रही है। एक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो स्वच्छता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है स्वेट ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी प्लांट। जो कूड़ा कचरा निकलता है वो सही ढंग से हम उसका निस्तारण नहीं करेंगे तो बड़े बड़े ढग हो जाएंगे। मैं गुजरात में भी ये देखती थी और इधर यूपी में भी देख रही हूँ, मध्य प्रदेश में भी देख रही हूँ। इसकी जो साइंटिफिक व्यवस्था होनी चाहिए ये पिछले सालों में नहीं हुई है और इसी वजह से बड़े दंग हो गए हैं, और कई गरीब परिवार वो ही कूड़े कचरे में कुछ न कुछ ढूंढने के लिए वहां जाते हैं और फिर रोग लेकर वापस आते हैं। तो मेरे तो ये आप सबको महापौर अध्यक्ष सबको ये है कि यदि आपको अच्छी तरह से ग्रांट मिल चुकी है तो आप तय कर लीजिए कि एक साल में या डेढ़ साल में ये काम पूरा करके ही हम रखेंगे, चाहे इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़े तो ज्यादा ध्यान दीजिए, बार बार वहां जाकर देखना पड़े तो देखिए, और हमारे जो जितने अधिकारी है वो अधिकारी के साथ चर्चा करके इसको आगे बढ़ाइए। हम पानी का तो उपयोग काफी कर रहे हैं, नल भी चालू रखते हैं, इसी वजह से ड्रेनेज बनी हुई होती है, लेकिन अभी ये जरूरी हो गया है कि एसटीपी प्लांट लगाकर जो पानी निकलता है शुद्ध पानी इसका उपयोग, अभी मैंने देखा है कई घरों में दो लाइन डाल रहे हैं, एक पीने का पानी की लाइन अलग है, दूसरा जो हम टॉयलेट का और अन्य पानी दोनों की लाइन अलग होती है, तो टॉयलेट की जो लाइन है इसमें एसटीपी प्लांट के जरिए जो शुद्ध पानी आता है वो शुद्ध पानी इसमें दिया जाता है, और दूसरा पूरे नगर में गार्डन है तो गार्डन में पानी की आवश्यकता रहती है, हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनको पानी की आवश्यकता रहती है, रोड साफ करने में पानी की आवश्यकता रहती है, तो इसमें जो शुद्ध पानी होता है उसका बड़े पैमाने पर हम उपयोग करते हैं तो हमारा शुद्ध पानी बच जाएगा, शुद्ध पानी बचेगा तो इस तरह अच्छी तरह से हम जनता को पानी ज्यादा दे सकते हैं या तो जितने जरूरी है कितना दे सकते हैं, तो उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और पानी के लिए तो अमृत योजना जो केंद्र सरकार ने इसमें काफी ग्रांट दी है, तो ये ग्रांट का उपयोग जहां भी 10 नगर या 7 नगर तय किए हैं उसको ग्रांट मिल चुकी है तो इसमें भी आप अच्छी तरह से काम करिए। दूसरा एक काम ये है कि पार्षद ये तय करें वार्ड का दौरा करने के लिए हर सैटरडे संडे या तो आपको जो कोई दिन तय कर लेते हो और वार्ड में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ आप मोहल्ले में जाते हो या सोसाइटी बड़ी है या फ्लैट है वहां जाकर आप बोलते हो और जो आप समय तय कर देते हो
तो मुझे बराबर ही याद है कि लोग ये चाहते हैं कि हमारा पार्षद अभी 9 बजे राइट 9 बजे इधर आएगा, और टेलीफोन से वे उसको बता देते हैं कि मैं आज 9 बजे आपकी सोसाइटी में आने वाला हूँ। तो आपको काफी फीडबैक मिलेगा इसके लिए, जो कूड़ा कचरा वहां कोई उठाएगा नहीं तो वो भी आपको बता देंगे, पानी कम आता है या बंद होता है तो वो भी बता देंगे आपको, जो गटर अच्छी साफ नहीं होती है तो वो भी आपको बता देंगे। तो फीडबैक के लिए जनता से मिलना, संवाद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और इसकी वजह से आप एक दिन दो दिन सुबह में या शाम आपको जो समय मिले इस समय के हिसाब से आप पूरी टूर करिए कार्यकर्ताओं के साथ, जनसंपर्क करिए, और जनसंपर्क होने की वजह से आपकी जनता की कई फरियाद कंप्लेंट आपके ध्यान पर आएगी, और ये कंप्लेंट का अपन निस्तारण अधिकारियों के साथ बैठकर अच्छी तरह से कर सकते। दूसरा है, जब आप वार्ड का दौरा करते हैं तब अपनी योगी जी ने कहा आपके वार्ड में कई स्वास्थ्य केंद्र, 4 प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र बताए, इसमें से कोई एक दो स्वास्थ्य केंद्र आपके वार्ड में होंगे, दूसरी एक आंगनवाड़ी भी होगी, एक नहीं तो दो तीन तो होगी, प्राथमिक शाला भी होगी, तो ऐसे वार्ड वार्ड की ऑफिस भी होगी शायद इसमें, तो इसका भी एक जायजा लेना चाहिए कि वहां सफाई अच्छी तरह से होती है। अभी तो स्कूल वगैरह बंद है, पर जब भी ये चालू हो तब इसका भी जायजा लेना चाहिए, इसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए, टीचर्स को मिलना चाहिए, कोई फरियाद है या बच्चों की भी कोई फरियाद है तो सुनना चाहिए, काफी वायदा इसकी वजह से होने वाला है। लेकिन मैं एक बता दूं, तो हम लोग सालों से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, योगी जी भी सालों से काम कर रहे हैं, और कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि हम जब स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं और कोई डॉक्टर समय पे नहीं आए होंगे या तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तो तुरंत हमारी लड़ाई डॉक्टर के साथ चालू हो जाती है या नर्स के साथ चालू हो जाती है, मुझे बैठने के जगह नहीं, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा अपमान हुआ, ऐसी बातें जो सुनने में आती है, और मीडिया तो उसको तुरंत ही प्रसारित कर देता है, हमें पता है कि मैं हमारी इज्जत बढ़ती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है वो सोचो, क्या दवाई की गड़बड़ी है, दवाई नहीं है, क्या कोई अन्य परेशानी है, पानी नहीं आता, क्या स्वच्छता नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, ऐसे शांति से उसके साथ बैठकर पता करो और लिख कर जो अधिकारी ऊपर है इसके साथ बैठकर चर्चा करके उसको सपोर्ट करो। मुझे लगता है कि हमें यही करने की आवश्यकता है, लड़ाई झगड़े करने से फायदा नहीं होता है, और ऊपर से आपकी इमेज तो बिगड़ेगी, सरकार की इमेज भी बिगड़ेगी, और फिर से जब आप जाओगे तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। लेकिन अच्छी तरह से आपने उसको सपोर्ट किया होगा तो आप एक फोन करोगे तो भी काम वहां हो जाएगा, ये काम करने की आवश्यकता है। अभी कोरोना के बारे में मैं योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ, ये बात सही है कि सब लोग यही बोलते थे कि इतना इतने केसेस आ जाएंगे कि कंट्रोल ही नहीं कर सकते, योगी जी खुद संक्रमित हो गए। जब हम संक्रमित होते हैं तो घर से 12-15 दिन तो नहीं निकलते, काम ही नहीं करते, नहीं तो उसी समय भी काम करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते रहे, और फिर जैसे ही डॉक्टर ने सलाह दी कि आप अभी संक्रमित नहीं हो तो तुरंत ही निकल पड़े। मित्र, इसमें से हमें काफी प्रेरणा लेने की आवश्यकता होती है कि किस तरह काम होता है, किस तरह परिणाम तक हम पहुंच सकते हैं, इसमें हमें सहयोग करना है।
ये निगरानी समितियां जो बनी है ये अच्छी तरह से काम कर रही है। इसके अध्यक्ष हुआ तो समय समय पे निगरानी समितियों के साथ बैठकर चर्चा करके क्या कठिनाइयां हैं क्या नहीं, लोग मानते नहीं है, जहाँ जो हमारे कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करते हैं, तो उसको समझा समझा कर हम कैसे करवा सकते हैं। आज देखिए वैक्सीन के बारे में कई अफवाहें फैली हुई और वो ये बोलते हैं कि हमें समझाने के लिए कोई आता नहीं, और व्हाट्सएप पर हम ये देखते हैं कि इससे फीवर आ जाता है, इससे व्यक्ति मर जाती है, वो होता है, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये काम भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक पूरा अभियान उत्तर प्रदेश ने चलाया है, तो जहां भी अभियान चलता है इसके पहले लोगों को प्रेरित करके समझा जाकर सेंटर पर लाकर उसको वैक्सीनेशन करवाना है। तो तीसरी लहर आने वाली है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन अभी से इसकी तैयारी हो रही है। मुझे लगता है कि योगी जी ने ये काम शुरू करवा दिया है, एक महीने के बाद जब काफी कुछ काम हो जाए तब फिर से ऐसे दो महीने के बाद या तो एक महीने डेढ़ महीने के बाद फिर से ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पूरे पूरे प्रदेश में क्या क्या काम कर दिया है हमने, आगे से क्या काम कर दिया है ये सबको बता देना चाहिए, जिसकी वजह से वे भी नीचे प्रचार प्रसार करके नदी पर दवाइयाँ पहुंच जाएगी, वो पहुंच जाएगा, इतने बेड हो गए हैं, इतनी वो हो गए, ये सब अस्वस्थ कर देना चाहिए, जिसकी वजह से कोई डरे नहीं, ऐसा समय जब हमारे सामने आए। ये भी बताया है कि इसमें ज्यादातर बच्चे संक्रमित होंगे। मैं ये बात बताती हूँ कि छोटे छोटे जो बच्चे थे वो तो बता नहीं पाएंगे कि उसको क्या हो रहा है, सिम्टम्स क्या है, तो वो तो माँ ही देखेगी। तो मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे पार्षद महापौर अध्यक्ष ये माताओं का सम्मेलन करें और उनको समझाए कि आप बच्चों पर ध्यान रखिए, और बच्चे आज दो रोटी खाते थे लेकिन एक रोटी नहीं खाई, खाने के लिए मना कर रहा है, ऐसे कुछ ना कुछ होगा तो माता समझ जाएगी कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाकर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह शुरू होगी। ये समझाने की आवश्यकता है माताओं, तो छोटे छोटे पैमाने पर 30-25-50 महिलाओं को इकट्ठा करके शायद महिला पार्षद अच्छी तरह से काम कर सकती, महिला मेयर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं समझाने के लिए। तो ऐसे ग्रुप में काफी समय है हमारे पास, यदि आप पूरा प्लान कर दोगे तो जब ये समय आएगा तब हम सब उसको जान चुके होंगे और किस तरह उसका सामना करना है ये हम किसी तरह सामना कर सकेंगे। तो एक बच्चों के साथ एक अच्छा काम कर दिया है योगी जी ने, अनाथ बच्चों के लिए वो भी आपके वार्ड में होगी तो एक बच्चों को मिलना चाहिए, क्या परिस्थिति है वो देखना चाहिए, और वार्ड में जितने भी बच्चों को आप मिले उसकी जो परिस्थिति है और किस तरह रह रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं, क्या खाना पीना का प्रबंध है कि नहीं, ये सब आप स्वयं रूप में जाकर देखोगे और इसका पूरा इंफॉर्मेशन आप डिपार्टमेंट को या तो मुख्यमंत्री जी को दोगे तो मुझे लगता है कि अनाथ बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा कि हम अनाथ हैं, हमारे साथ पूरी जनता है, हमारे साथ सरकार है। आंगनवाड़ी तो अभी चालू नहीं है, एक बात लास्ट में करूंगी, पूरे परिवार चार पांच दिन साल में ऐसे आते हैं, जन्मदिन आता है, दो बच्चे हैं, माता पिता है, चार जन्मदिन आता है, तो मैं आप सबको पार्षदों को सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप चार दिन में से एक दिन आंगनवाड़ी में जाकर सेलिब्रेट कीजिए, घर में रहकर होटल में जाकर आप सेलिब्रेट करोगे तो जो आनंद उत्साह मिलेगा इससे ज्यादा छोटे छोटे बच्चों के बीच में बैठकर
आपके परिवार के साथ वहां जाकर बच्चों को कुछ खिलाओगे, दुलार करोगे, कुछ दोगे, और उसके फेस पर जो हंसी होगी, आनंद होगा, उत्साह होगा, मुझे दो मुझे दो। और ये बच्चे आप मानो के केले ले गए या कुछ सेब ले गए और बच्चे खाते होंगे, उसका आनंद उसके फेस पर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि चार मिनी वहां ही सेलिब्रेट करना चाहिए। कितना आनंद आपको मिलेगा। देख तो लीजिए कैसी स्थिति बनती है। तो आप सबको बहुत ही मार्गदर्शन मिला है, पूरी सरकार आपके साथ है, अच्छी तरह से काम करिए। 5 साल है और 5 साल में इतना सुंदर काम कीजिए कि जिसकी वजह से आपके वार्ड के सभी लोग आपको प्रेम करें, आपको आपका सम्मान करते रहें और आपको बुलाते रहें कि आप आइए हमें मार्गदर्शन कीजिए। ऐसी एक इमेज आपकी बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के निकायों और नगर निगम के सही मेयरों के साथ वार्ता की है और जिन लोगों ने सफाई छिड़काव एवं जो बेहतर काम किया है उसकी तारीफ भी की है, प्रशंसा भी की है और उन्होंने कहा है कि इस महामारी में नगर निगम ने अच्छा काम किया है, निकायों ने अच्छा काम किया है और इसी गति को बनाए रखें। और विशेषकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है कि जहां कूड़ा निस्तारण के लिए जगह नहीं है उसकी व्यवस्था करें और कूड़ा निस्तारण कराएं। एक जगह से कूड़ा उठाकर दूसरे जगह रख देना ही समाधान नहीं। निगरानी समितियाँ मोहल्ले में जाए, वहाँ देखे जनता को क्या तकलीफ है, हम वहाँ क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गायें सड़कों पर घूमती है उसके लिए जो व्यवस्थाएं बनी हैं वहाँ उसको पहुँचाया जाए। एक एक आदमी एक एक गाय को गोद ले लें तो हम बहुत कुछ समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में के लिए सभी लोग तैयार हैं कि कोरोना फैल सकता है जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया, तो उसके लिए पूरी तैयारी रहे और आप लोग निगरानी समिति के माध्यम से उस पर पूरा ध्यान दें। साथ ही साथ PHC जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सभी पार्षदों को गोद लेने के लिए कहा है कि वहाँ जाएं, देखें सर सफाई व्यवस्था, वहाँ सफाई नहीं है तो एक दो बार हफ्ते में वहाँ सफाई करवा दें, डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसकी रिपोर्ट दें। तो ये सब हमारे सभी पार्षद और निगरानी समितियाँ इस काम को करेगी और मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है उसका हम लोग निर्वहन करेंगे और अपने विशेषकर गोरखपुर हम लोग साफ सुथरा और सुंदर बनाएंगे। मेरी नागरिकों से अपील है कि शहर को साफ सुथरा रखने में, नाले की सिल हटाने में आप पूरा सहयोग करें, जहाँ कहीं भी अतिक्रमण हो उसे हटा लें तो हम नगर को बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकते हैं।